ने उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा। जनता ने अपने मुद्दों पर मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। जहां तक सरकार बनने का ना बनने का है, सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। मुझे लगता है ये खुश करने की जो कदम चल रहे हैं, खुश करने के लिए जो फैसले हो रहे हैं, और सब गिनती का सवाल होता है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं। हमें उम्मीद है कि जनता ने जो फैसला देश के सामने लिया है, संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र मजबूत हो, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी चीजें आप देखोगे कि लोग उनके लिए साथ खड़े दिखाई देंगे। अयोध्या के लिए आप लोगों को जीत कल से अयोध्या को लेकर लगातार बीजेपी वहां से हारी है। देखिए, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और सीटें भी हार जाती है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया, जो 100-100 साल से रह रहे थे, 100-100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100-100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। क्या मुख्यमंत्री आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आ रहे हैं, उनको तलब किया गया? तो अगर दिल्ली आ रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, दिल्ली में ही रोक लो, यूपी क्यों भेजते वापस? सर, अब आपकी सीट विधानसभा की सीट है, उससे कौन चुनाव लड़ेगा? आपका मन हो तो बताओ, हम लड़ा दें आपको भी। सीधा सवाल है, क्या अभी कोई स्थिति आप देखते हैं इंडिया गठबंधन की? मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई खुश और भी कर सकता है? सर, कल खड़गे जी ने कहा अभी उम्मीद बाकी है, खड़गे जी ने कहा लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। कितने दिनों में उम्मीद है कि पार्लियामेंट की रणनीति क्या डिस्कस हुई कल से? अभी बता दें आपको। सर, आप बिल्कुल सर, आप दिल्ली में हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में हार की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में से किसी ने नहीं लिया है। मैं एक बार फिर अपने मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो मैं लगातार कहता था कि मंत्रिमंडल बदल जाए, मीडिया मंडल बदल जाए, कुछ चीजें नहीं बदल पाई हैं। अखिलेश जी, जयंत जी से बातचीत करेंगे आप लोग अगर जरूरत पड़ी तो? नौकरी का सवाल पे क्या? जयंत जी से मैं समझता हूं अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। जयंत जी से बातचीत करेंगे? सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। अखिलेश, और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। अखिलेश जी, इतनी सीटों की उम्मीद थी और भी ज्यादा। एनडीए सरकार बनाने में लगी है, शपथ 8 तारीख को होने जा रही है, 7 तारीख को राष्ट्रपति ने समय ले लिया। तो अच्छी बात है, वो तो गिनती है, गिनती जिसके पास होगी राष्ट्रपति उसी को शपथ पे बुलाएंगे, फिर गिनती बदल जाएगी, फिर कोई और शपथ देगा, ये क्या बात हुई? ये तो शपथ चलती रहती है। अखिलेश जी, अरे मैंने बोल दिया भाई, हमें बचाओ। अखिलेश जी, सर बेटे बातचीत करेंगे आप।
2019 को दोबारा सकारात्मक राजनीति के पक्ष में मतदान किया, कन्नौज की सुगंध और महकेगी और दूर तक जाएगी। 37 मैं जनता का धन्यवाद। सर अखिलेश नेताजी नेताजी की अनुपस्थित में आपने विकास जीत हासिल की, उनको किस तरीके से याद कर रहे हैं? पहला चुनाव लोकसभा, देखिए नेताजी रहते तो हमारे आपके लिए सब के लिए खुशी की बात होती है, लेकिन कुछ चीजों पे बस किसी का नहीं चलता है। लेकिन जहाँ कहीं भी नेताजी रहे होंगे या होंगे, उन्हें अच्छा लग रहा होगा कि समाजवादियों ने आज उत्तर प्रदेश में बहुत सीटें जीती। जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा, जीत का मार्जिन पहले दिन से लेकर चुनाव के आखिरी दिन तक पीडीए कहा, आपको लग रहा वही की फैक्टर भी बना? देखिए पीडीए की लड़ाई बड़ी है और पीडीए के लिए लोगों को जागरूक करना, पीडीए आंदोलन के लिए लोगों को जोड़ना, पीडीए के तमाम सवाल हैं उनका जवाब सरकार से मांगना। मान लीजिए सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी JNU है, क्या पीडीए परिवार वहाँ 15% से भी ज्यादा है? क्या 15% से भी ज्यादा है वहाँ पर? मान लीजिए और प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें पीडीए परिवार के लोग कितने हैं? तो पीडीए की जीत जरूर हुई आज यूपी में, लेकिन पीडीए को लेकर के लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो लंबी लड़ाई है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी लड़ते थे, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने जो अपने जीवन भर लड़ने का काम किया, नेताजी ने वो रास्ता हम लोगों को दिखाया है, उस रास्ते में लगातार हम लोग चले। चलो हटाओ हटाओ हटाओ।